आज के इस वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपका नाम आवास योजना में है और अभी तक आपको आवास का लाभ नहीं मिल पाया है तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप पता करें कि आपका नाम वेरीफाई है, वेटिंग लिस्ट में है या अभी पेंडिंग में है। अगर आपका नाम वेरीफाई रहेगा तो ही आपको आवास का लाभ मिल पाएगा। आज के इस वीडियो में इसको चेक करने का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको चेक करने के लिए आप अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में आ जाएंगे और आप यहां पे टाइप करेंगे pmayg.nic.in। इतना लिखकर आप सर्च कर लेंगे तो इसका ऑफिशियल पेज कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहां आने के बाद आप इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और आप इसको डेस्कटॉप साइट पे कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से एड्स आएगा, आप उसको कट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे आवाज़ सॉफ्ट पे क्लिक कर देनी है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ दूसरे नंबर रिपोर्ट पे क्लिक कर लेंगे। आप रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने बहुत सारा मेन्यू ओपन होकर आ जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे ले जाएंगे, देन थोड़ा और नीचे ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे FEFPMS रिपोर्ट्स में 3 नंबर में बेनिफिशरीज रजिस्टर्ड अकाउंट्स फॉरेजन एंड वेरीफाइड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ आने पर आपको सिलेक्शन फिल्टर्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी। जैसे आप ऑल एस्टेट पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका एस्टेट रहेगा, जहाँ का भी आप चेक करना चाहते हैं, अपने एस्टेट को यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके नीचे फिर से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चूज कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको और एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो आपका प्रखंड रहेगा, अपने प्रखंड को यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको और एक सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और जो आपका ग्राम पंचायत रहेगा, आप इसको यहां से चूज कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको सबसे नीचे कैप्चा मिल जाएगा, जो कि हमें यहां पे प्लस करने के लिए आया है। सो जितना भी कैप्चा आएगा, आप टैप कैप्चा में कैप्चा को टैप कर लेंगे और अगर माइनस रहेगा तो आप वो भी देख लेंगे। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। आप सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके पंचायत के पूरे सूची ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बेनिफिशियरी नेम, बैंक नेम और स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा इसको बाएं तरफ स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट रीज़न भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे अभी देखने के लिए मिला। आप अपना नाम देख लेंगे। आप इसको इस तरीके से स्क्रॉल करते जाएंगे और आपका जो भी नाम रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेटस में काफ़ी सारे लोगों का वेरीफाई दिखा रहा है। यहाँ पे नेम भी दिखा रहा है और कौन सा बैंक दिया हुआ है वो भी दिखा रहा है और वेरीफाई भी दिखा रहा है। यानी अगर इस तरीके से आपका वेरीफाई दिखा रहा है तो आपका बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपका कुछ इस तरीके का स्टेटस में रिजेक्टेड लिखा रहता है, जो कि यहाँ पे कोई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजेक्टेड बाय बैंक एज अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है। यानी अगर आपका भी इस तरीके से रिजेक्टेड दिखा रहा होगा तो आपको अपने मुख्यालय या वार्ड सदस्य के पास जाकर फिर से अपने पूरे कागजात को देकर इसको सही करा लेना होगा। फिर आप कुछ दिन के बाद चेक करेंगे, जब आपका इस तरीके से वेरीफाइड लिखा रहेगा तो पूरी तरीके से सही हो जाएगा, फिर आपको आवास का लाभ जल्द ही मिल जाएगा। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका नाम इसमें वेरीफाई है या नहीं। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।